बच्चों, तो मैं एक बार शुरू से बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस मींस प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस मींस प्रॉपर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एंड आई टोल्ड यू कि सेंटेंस बिगिंस विद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों आपको लगानी होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। ये जो वर्ड्स थे इनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, गूगल करने के लिए बोला था। उसके बाद आपको लगानी होती है बच्चों मेन वर्ब। मेन वर्ब गो, स्लीप, ईट, ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, और लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर लगता है कि किस तरीके से आप, किस मैनर से आप काम करते हैं, स्लोली, क्विकली। ये भी मैंने इलाबोरेट कर दिया। आई होप रूल नंबर वन सबको क्लियर हो गया होगा। अगर रूल नंबर वन क्लियर है तो येस या नो लिख दो फटाफट जल्दी से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर टू। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने रूल नंबर टू पे। क्विकली जल्दी से फटाफट दो या तीन बच्चे लिख दे कि रूल नंबर वन क्लियर है या नहीं। यस, चलिए लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर टू। रूल नंबर टू की बात करते हैं बच्चों। रूल नंबर टू देखिए, वेन एवर वी ज्वाइन एनी सेंटेंस विद एंड, पहले तो मैं आपको बता दूं एंड क्या होती है। एंड इज एक्चुअली अ कंजंक्शन, सबने सुना होगा एंड के बारे में। और आपने देखा होगा कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, हम राम एंड श्याम। जब भी हम एंड से सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, राम एंड श्याम। और जब दो सब्जेक्ट हो जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं बच्चों? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्लूरल। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्लियर है? ये यूज करते हैं ना, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। जब दो सब्जेक्ट हो जाए, एंड से कंजंक्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है बच्चों? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। बट एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल है, आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग देयर। यहां पर एक सब्जेक्ट था, दूसरा सब्जेक्ट आया, इसलिए हमने क्या लगा दिया बच्चों? आर लगा दिया। और आर आपको पता है इसको शो करता है, इट शोज प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्लूरल। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? इज एग्जैक्टली, यानी एंड जब भी लग जाए आपको क्या लगाना है? आर लगाना। लेकिन एंड की ना कुछ एक्सेप्शंस भी होती है बच्चों। एक्सेप्शंस को हम बोलते हैं अपवाद। यानी जरूरी नहीं जहां पर एंड आ जाए, जहां पर ये कंजंक्शन आ जाए, वहां पे हमेशा प्लूरल ही लगे। एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेड एंड बटर, यहां पर एंड लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर हर बार क्या आएगा? आर आएगा। इस सेंटेंस में यहां पर इज आएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर ये जो है, ये दोनों मिलकर एक मील बना। और जब भी मील की बात हो, वो मील जो इकट्ठी खाई जाए बच्चे, टुगेदर, उस केस में आपको आर का यूज नहीं करना बच्चों, हमेशा किसका यूज करना है? इसका। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब भी हम एंड से सेंटेंस बनाते हैं, 99% केसेस में हमें बच्चों क्या लगाना है? आर लगाना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमें याद रखने, कुछ अपवाद हमें याद रखने हैं जहां पर आर नहीं लगता, जहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और पहली एक्सेप्शन क्या है गाइस? जब भी हम कंबाइंड मील की बात करें, कंबाइंड मील का मतलब है बच्चों वो चीजें जो इकट्ठी खाई जाती हैं उनकी बात करें, तो हमें आर का यूज नहीं करना, हमें किसका यूज करना है बच्चों? इसका यूज। तो मैं एक बार फिर बता दूं किस किस के साथ। अगर आ जाए ब्रेड एंड बटर,
अगर आ जाए दाल एंड रोटी, सांभर एंड वड़ा, अगर आ जाए डोसा सांभर, डोसा एंड सांभर, तो बच्चों मेक श्योर आप याद रखना वो मील जो इकट्ठी खाई जाती है उसके बाद बच्चों आपको आर का यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना, मेक श्योर आप क्या करें सिंगुलर का यूज। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, और अगर पास्ट है तो इसको क्या कर देना बच्चों वॉज कर देना। दिस इज योर एक्सेप्शन नंबर वन, आई होप सबको क्लियर हो, गॉट इट। इसके अलावा जब भी क्वालिटी की बात करें लुक एट एक्सेप्शन नंबर टू। Whenever you talk about quality, whenever you talk about idea, जब आप आइडिया की बात करें तो आपको कैसे लगा? देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं, पहले पहले मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं उसके बाद मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस है the condition of The condition of apples. The condition of apples dash not good. The condition of apples dash not good. ये देखिए. The quality of goods dash not up to the mark. या फिर देखिए फोर सेंटेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम, The performance of Indian team dash very good. अब देखिए ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं, ये आपकी सेकेंड एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है बच्चों? अब मुझे बताइए इसमें सपोज करो मैं आपको ऑप्शन दूं कि इज और आर में से भरना है, So what would be your right answer? These are three sentences. Sentence number one, sentence number two, sentence number three. So what would be your right answer? क्या इसका answer is होगा या are होगा? और एक चीज common देखिए इसके अंदर common चीज क्या है? कि ये in phrases में, इन सभी phrases के अंदर बच्चों of आ रहा है। देख रहे हैं आप? The condition of क्वालिटी की बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है, आइडिया की बात कर रहा है, बिलीफ की बात कर रहा है, और अगर वो ऑफ से जुड़े हुए हैं तो बच्चों मेक श्योर फटाफट बता दो। पहले तो बताओ आंसर इज आएगा या आर आएगा क्विकली, दो या चार बच्चे जल्दी से बता दे कि व्हाट वुड बी द आंसर, वुड द आंसर बी इज और आर। पूर्वा इज सेइंग कि सर आंसर इज आएगा, दिनेश इज सेइंग इज आएगा, खुशी शर्मा इज, एग्जैक्टली गाइस आपको याद रखना है What would be your answer? The answer would be is. बच्चे क्या करते हैं इसको देखते हैं। आपको इसको नहीं देखना बच्चों, आपको इसको भी नहीं देखना, आपको इसको भी नहीं देखना। हम बात कर रहे हैं कंडीशन की, क्वालिटी की और परफॉर्मेंस की, और ये तीनों चीजें क्या होती हैं बच्चों? सिंगुलर होती है, और सिंगुलर में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है या इस लगेगा या पास्ट में क्या लग जाता है बच्चों? पॉस्ट। Is it clear? The condition of apples is aayega right answer. The quality of goods is aayega. The performance of Indian team is aayega. Clear bache? This is your second exception. I hope second exception sabhi ko clear hogi yogi. Do tin bache yes ya no mein reply kar de. Second exception agar clear ho gayi hai. Patafat. Let's move on to third exception. Ye second rule chal raha hai aur hum iski third exception ki baat kar rahe hain bachcho. बच्चों आपने एक सेंटेंस सुना होगा, एक प्रोवर्ब सुनी होगी, ऑल
दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। या आपने एक और सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। या आपने और सुनी होगी, टाइम एंड टाइम डैश फॉर नाउ। और आपने इनका आंसर भी देखा होगा, इसका आंसर होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नथिंग, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नथिंग। आप देखिए सभी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है, सिंगुलर। आपको कीप योरसेल्फ म्यूटेड, कीप योर सेल्फ म्यूटेड बच्चों, अपने आप को म्यूट रखो। करेक्ट, तीनों में सिंगुलर लग रहा है बच्चों। रीजन मैं आपको बता दूं, ऑल दैट ग्लिटर्स, यहां पर जिस ऑल की बात की जाती है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को बच्चों हमेशा क्या करना है, सिंगुलर ट्रीट करना। स्लो एंड स्टडी एक ही बंदे की बात कर रहा है, वो जो स्लो और स्टडी चलता है, जैसे मैंने दाल और रोटी बनाया। जरूरी नहीं कि एंड लगने के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आए, कुछ एक्सेप्शंस होती है, जब एक ही बंदे को दो क्वालिटी दे दी जाए या फिर मील्स की बात हो तो बच्चों सिंगुलर ट्रीट करना। स्लो एंड स्टडी वेंस द रेस आ जाएगा। एंड टाइम एंड टाइड, यहाँ पर भी एक ही पर्सन के रेफरेंस में बात की जा रही है, तो यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, द आंसर वुड बी वेट्स। तो एंड का यूज करते वक्त बच्चों मेक श्योर, जब भी आप एंड का यूज करें मेक श्योर, आप ध्यान रखें हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कुछ एक्सेप्शंस होती है जहां पर क्या आती है बच्चों, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल इट सिंटेक्सिंग। इसलिए हम इसको सिंटेक्स बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रॉपर अरेंजमेंट करना है एक सेंटेंस। क्लियर है? इसकी चौथी जो एक्सेप्शन है बच्चों, सेकेंड रूल फिर ओवर हो जाएगा। फोर्थ जो एक्सेप्शन है दैट इज, आपको याद रखना है, देखिए द एक्टर एंड द एक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग टू द पार्टी। अब मुझे आपको बताना है कि यहां पर इज आएगा या आर आएगा। एक और सेंटेंस देखो, सेकेंड सेंटेंस है, ये फोर्थ एक्सेप्शन है इसकी, फोर्थ को ऐसे लिख देते हैं, दिस इज फोर्थ। सेकेंड एक्सेप्शन है द एक्टर एंड द डायरेक्टर डैश कमिंग टू द पार्टी। बेटा इसमें भी आपको किसमें से भरना है, इज और आर, मुझे बता दो फटाफट, व्हाट डू यू थिंक। व्हाट इज द राइट आंसर, पहले भी आंसर करेक्ट बताना और सेकंड का भी बताना। पहले में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। ख्याति सेम की सर, फर्स्ट वन वुड बी इज, ख्याति यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड सेकंड वन इज आर। बच्चों मेक श्योर जब भी कोई नाउन हो, जब भी कोई नाउन हो और उससे पहले दा लगा हुआ तो इसको वन कंसीडर करते। सेकंड देखिए, डायरेक्टर है, इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं हुआ, दा यूज नहीं हुआ, इट मींस द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, स्पीकर जो है वो सेम पर्सन की बात कर रहा है, यानी एक्टर और डायरेक्टर एक ही बनता है। और सेकेंड सेंटेंस देखिए, द एक्टर, यहां पर ये एक पर्सन हो गया, और द डायरेक्टर, यहां पर ये सेकंड पर्सन हो। जब भी आर्टिकल आ जाए नाउन से पहले, हर नाउन से पहले, तो समझ लेना वो अलग अलग बने। द एक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड द डायरेक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन,
ये दोनों जो है अलग अलग बंदे हैं, डायरेक्टर द डायरेक्टर, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका, आर। बट एक और एग्जांपल देख रहा हूँ, फटाफट देखिए इसको। एक और एग्जांपल है, द टीचर एंड द प्रिंसिपल। तो बच्चों ये हो जाएगा आर, लेकिन अगर मैंने कर दिया द टीचर एंड प्रिंसिपल, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर पर्सन, सो दैट वुड बी एस। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज योर एक्सेप्शन नंबर फोर्थ। अगर इन चीजों को याद रखोगे बच्चों, तो एंड वाले सेंटेंसेस आपके कभी गलत नहीं होंगे। जो मैंने आपको बताया, आइडिया, बिलीफ, क्वालिटी, ये वाले सेंटेंस आपके गलत नहीं होंगे कभी। मील वाले सेंटेंसेस बच्चों आवाज आ रही है आप सभी को? तो दिस इज, अगर ये सिंटेक्सिंग कर ली बच्चों, तो आपके सिंटेक्स, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो गलत नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर। यस या नो में रिप्लाई कर दो कि एंड वाले सेंटेंसेस को सही हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्ट कर दोगे या नहीं कर दोगे, एंड वाले सेंटेंसेस को प्रॉपरली सेंटेंस में अरेंज कर दोगे या नहीं कर पाओगे। सौरभ कह रही है यस, तो पूर्वा भी कह रही है यस। चलिए एक और रूल की बात करते हैं बच्चों, 4 मिनट रह रहे हैं सेशन ओवर होने में। याद रखना, आपको ऐसे राइटिंग कंपटीशन का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड, डू लेट हैप्पी बंसल नो, या फिर मेरे पास भी आप नाम भेज सकते हैं अगर आप चाहें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल। एक और रूल बता देता हूँ बच्चों आपको, एक और रूल की बात करते हैं, दैट इज वन। दिस इज द रूल नंबर थर्ड। बच्चों वन ऑफ का यूज बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। वन ऑफ का रूल क्या है कि जब भी वन ऑफ से सेंटेंसेस स्टार्ट हो, तो मेक श्योर कि जो आप नाउन लगाएं वन ऑफ के बाद, वो तो आप लगाएं प्लूरल, और जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं बच्चों, वो आप क्या लगाएं, मेक श्योर दैट हेल्पिंग वर्ब इज सिंगल वन ऑफ के बाद। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। जब भी वन ऑफ आ जाए बच्चों, तो वन ऑफ के बाद आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन का यूज करना है। देखिए मैंने किसका यूज किया, फ्रेंड अगर आपने लिख दिया वन ऑफ के बाद, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है बच्चों, फ्रेंड्स। जब भी वन ऑफ वाला सेंटेंस आ जाए, मेक श्योर जो नाउन हो वो हमेशा क्या हो, प्लूरल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब आगे क्या लिखना है आपको, एक सेंटेंस लिखना है कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर, तो सेंटेंस बन जाएगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। बट हमने क्या किया बच्चों, प्लूरल नाउन का यूज किया है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमने यूज किया बच्चों, सिंगुलर। ये आपको करना है जब भी आप किसका यूज करें, वन ऑफ। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, वन ऑफ द, एक प्लेयर ने कैच छोड़, वन ऑफ द प्लेयर्स कैच छोड़ दी है, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज ड्रॉप द कैच। वन ऑफ का सेंटेंस आ गया, तो हमें करना क्या बच्चों, प्लूरल नाउन लगाना है वन ऑफ द प्लेयर्स, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है बच्चों, सिंगुलर में। जी
लुक एट थर्ड वन, तीसरा एग्जाम्पल देखो, दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल, वन ऑफ माई रिलेटिव्स हैज बीन सेंट अब्रॉड। यहां ये वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद क्या करना है बच्चों, प्लूरल नाउन लगाना है रिलेटिव, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगल। एक और एग्जाम्पल लास्ट, वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स वॉज फाइंड फॉर हिज मिसबिहेवियर। यहां भी देखिए वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने कमेटी मेंबर किया जो गलत है, क्या आएगा, कमेटी मेंबर्स, वन ऑफ द कमेटी मेंबर्स, और हेल्पिंग वर्ब मैंने कौन सी लगाई है, सिंगुलर। तो बच्चों ये याद रखने, आज हमने दो रूल डिस्कस किए हैं, एक जो रूल हमने डिस्कस किया है वो है एंड वाला, एक है वन ऑफ वाला। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देयर इज नो नीड टू रीजॉइन द सेशन, सेशन को रीजॉइन नहीं करना, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन दैट एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन अ थीम कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी।